हाय गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए बात करते हैं बेस्ट ट्रेंडिंग शर्ट्स की जो आपके पास होनी ही चाहिए एंड साथ ही कुछ मिस्टेक्स को भी कवर करेंगे। सो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना। सो हमारे लिस्ट की फर्स्ट शर्ट है डेनिम शर्ट। ब्रो ट्रस्ट मी, डेनिम शर्ट बहुत ही क्लासी शर्ट है एंड ब्रो इसकी खास बात यह है कि ये हर इंसान के ऊपर सूटेबल है, फिर चाहे आपका कलर काला हो, गोरा हो, सांवला हो, जैसा भी हो आप इसे पहन सकते हैं। ये आपको एकदम कैजुअल और क्लासी लुक देगा। अब मैं आपको डेनिम शर्ट्स की कुछ मिस्टेक बताऊंगा जो कि अक्सर लोग पहनने में या फिर बाय करने में करते हैं। सो प्लीज गाय, आई होप आप इन मिस्टेक्स को कभी नहीं करेंगे। मिस्टेक नंबर 1, डेनिम शर्ट कभी भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। एक बार को अगर डेनिम जैकेट अगर डैमेज हो तो वो चलता है, बट डेनिम शर्ट कभी भी डैमेज नहीं होनी चाहिए एंड ना ही डेनिम शर्ट पे किसी भी तरह का स्टिकर होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, ऐसे कलर में डेनिम शर्ट कभी ना लें जो कलर आंखों में चुभे या फिर लाइट में ज़्यादा दिखे, जैसे रेड, येलो, ब्लू या लाइट ग्रीन। वजह इन कलर्स के आप कोई डार्क कलर में डेनिम ले सकते हैं, जैसे मेहरूम, बरगंडी कलर, ओलिव ग्रीन या फिर ग्रे, ब्लैक। इन कलर्स में आप डेनिम शर्ट ले सकते हैं जो कि आपको काफ़ी सेक्सी लुक देगा। मिस्टेक नंबर 3, हुडेड में डेनिम शर्ट कभी ना लें। ट्रस्ट मी ब्रो, हुडेड में डेनिम शर्ट बहुत ही वॉश लगती है। वजह इसके आप सिंपल कॉलर या फिर चाइनीज कॉलर में डेनिम शर्ट ले सकते हैं जो कि आपको एकदम ऑसम लुक देगा। मिस्टेक नंबर 4, जिस कलर में आपकी डेनिम शर्ट हो सेम उसी कलर में आपको जीन्स या फिर पैंट नहीं पहनना। ट्रस्ट मी ब्रो, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही वॉश लगता है। वजह इसके मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप डेनिम शर्ट के नीचे ब्लैक जीन्स या फिर क्रीम कलर का ट्राउजर पहने तो वो आपको एकदम कूल लुक देगा। ब्रो कुछ लोग डेनिम शर्ट को ओपनली पहनना पसंद करते हैं, तो आई सजेस्ट कि अगर आप डेनिम शर्ट को ओपनली पहने तो उसके अंदर वाइट या ब्लैक कलर की टी शर्ट ही पहने, कोई दूसरे फंकी कलर की टी शर्ट ना पहने। हमारे लिस्ट की सेकेंड सबसे बेस्ट शर्ट है फ्लैनल शर्ट। ब्रो ट्रस्ट मी, फ्लैनल शर्ट एक बहुत ही ऑसम शर्ट है एंड आप इसे ओपनली ब्लैक या व्हाइट टी शर्ट्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं एंड फॉर्मल टाइप में भी वेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली ये काफी ट्रेंड में भी चल रहा है एंड ये भी एवरी पर्सन सूटेबल है। एंड अगर आप टीनेजर्स हैं तो फिर तो आपको पक्का एक बार ये शर्ट ट्राई करनी चाहिए। बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की। मिस्टेक नंबर 1, अगर आप फ्लैनल शर्ट 2 पॉकेट्स में लेते हैं तो प्लीज़ उसे टक इन करके ना पहने। एंड यहाँ मैं सिर्फ फ्लैनल शर्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं एवरी शर्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप 2 पॉकेट शर्ट लेते हैं तो प्लीज़ उसे टक इन करके ना पहने। वैसे तो आप इस शर्ट को किसी भी जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप इसे ज़्यादातर ब्लैक जीन्स के साथ वेयर करें जो कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। एंड ज़रूरी नहीं कि आप फ्लैनल शर्ट को रेड कलर में ही पहनो। फ्लैनल शर्ट में बहुत से कलर आते हैं, बट उनमें से कुछ मेन्स कलर है जो मेरे पर्सनली फेवरेट कलर्स हैं, जैसे ब्लू, ब्लैक, वाइट। नंबर 3 का सबसे बेस्ट शर्ट है ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट। ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, ये दोनों ही शर्ट कुछ ऐसी हैं जो आपको मैच्योर फील कराता है एंड जिसमें से व्हाइट शर्ट तो कुछ ऐसी है जो एवरी जीन्स एंड एवरी ट्राउजर के साथ जाता है, फिर चाहे उसका जो भी कलर हो। एंड रही बात ब्लैक शर्ट की, तो ब्लैक शर्ट कुछ कलर्स की ही जीन्स में सूट करता है जो कि मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की। मिस्टेक नंबर 1, ब्रो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो फॉर्मल व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट होती है उसे जीन्स के साथ वेयर कर लेते हैं, एंड वहीं कुछ लोग क्या करते हैं कि जो कैजुअल व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट होती है उसे ट्राउजर या किसी पैंट के साथ वेयर कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट को फॉर्मल टाइप में पहन रहे हो टक इन करके, तो वो शर्ट आपकी बिल्कुल भी लूज नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेस्ट जीन्स कलर फॉर ब्लैक शर्ट। फोर्थ नंबर की हमारे लिस्ट की सबसे बेस्ट शर्ट है लिनन शर्ट।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिनन शर्ट्स एंड अदर शर्ट्स? तो ब्रो बेसिकली जो अदर शर्ट्स होती है जो कि कॉटन की होती है एंड वो कपास से बनती है, बट ब्रो जो लिनन की शर्ट होती है वो फ्लैक्स प्लांट से बनती है। एंड ब्रो लिनन शर्ट काफी कंफर्टेबल शर्ट होती है जो कि समर सीजन के लिए बेस्ट होती है। वैसे तो लिनन शर्ट में बहुत से कलर आते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप थोड़ा लाइट कलर ही चूज करें जो कि आपको थोड़ा फ्रेश फील कराएगी। अगर आप लिनन शर्ट के नीचे जीन्स न पहनकर डार्क कलर में कॉटन पैंट या फिर ट्राउजर वेयर करें तो ये आउटफिट आपको एक क्लासी लुक देगा। एंड सबसे अच्छी बात, ये शर्ट आपके पसीने को भी सोखती है। सो गाइज, आप इस शर्ट को बेझिझक ले सकते हैं जो कि आपको एक क्लासी लुक देगा, बट ये समर्स के लिए बेस्ट है, विंटर्स के लिए नहीं। सो गाइज, अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी ग्रूमिंग एंड फैशन टिप्स के साथ। एंड गाइज, बेस्ट बजट शर्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। एंड वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।